वही अयोध्या के ग्रामीण क्षेत्र गोसाईगंज विधानसभा के तारून में जन विश्वास यात्रा को लेकर एक जनसभा का आयोजन हुआ और जनसभा के दौरान स्थानीय विधायक कब्बू तिवारी के समर्थकों ने जबरदस्त भीड़ इकट्ठा हो गई। इस दौरान भीड़ ने कानून मंत्री बृजेश पाठक से कब्बू तिवारी को जेल से बाहर लाने की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की, जहां प्रदेश के कानून मंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 7 सालों से देश और प्रदेश की सेवा की है और सीएम योगी पिछले 5 सालों से अपने कार्यकाल में जनता का जो आशीर्वाद प्राप्त किया है उसके लिए हम गांव-गांव जा रहे हैं और अपने लोगों से मिलकर जनता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। जो एकादरणीय योगी जी ने पिछले 5 वर्षों में अपने कार्यकाल में जनता का जो आशीर्वाद प्राप्त किया है उसके लिए हम गांव-गांव जा रहे हैं, अपने लोगों से मिल रहे हैं, जनता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। जनता चाहती है, एक बड़ी डिमांड थी लोगों की, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे गांव आएँ, हमारी सड़क पर आएँ, हम उनका स्वागत करें। जनता की बेहद डिमांड के आधार पर, मांग के आधार पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता हमें हाथों हाथ ले रही, आशीर्वाद दे रही है। कौन से मुख्य मुद्दे होंगे जिन पर आप चुनाव में जा रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे बड़ा मुद्दा हमारे सामने जो कानून का राज स्थापित हुआ है इसे कंटिन्यू रखना है। दूसरा, वास्तव में गरीबों को मुख्य धारा में, गरीब को, आम आदमी को महसूस हो। हमारे प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो एकात्म मानववाद का सिद्धांत अपनाया था, यानी जो समाज के अंतिम पायदान पे व्यक्ति खड़ा है उसको महसूस हो कि सत्ता में उसकी भागीदारी है, उसकी सरकार है, उसको सुरक्षा देने के लिए, उसको हम मजबूती देने के लिए, उसको जीवन के हर मामले में आगे बढ़ाने के लिए हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। पिछली बार जब 2017 में चुनाव हुआ था तो गठबंधन हमारा 325 से अधिक सीट जीता था। इस बार आप देखेंगे उससे अधिक हम सीट जीत के दोबारा सरकार बनाएंगे। इसमें तीनों ही दल चुनाव लड़ रहे हैं, लोकतंत्र में उनका अधिकार है, लेकिन जनता का आशीर्वाद सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मिला है। हर हिंदू के मन में, हर भारतवासी के मन में इस बात की तीव्र इच्छा है कि जो मुस्लिम आक्रांताओं ने हिंदुस्तान की अस्मिता पर, हिंदुस्तान की संस्कृति पर, हमारी सांस्कृतिक विरासत पर हमला किया था, उन्हें ध्वस्त किया था, उसे दोबारा पुनर्स्थापित किया जाए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसे पुनर्स्थापित किया जा रहा है। अभी आपने देखा कि रामलला का भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है। अभी आपने कुछ दिन पहले खबर देखी होगी, 1-1.5 महीना नहीं बीता है कि हमारी जो मूर्तियाँ चुरा करके हिंदुस्तान से ले जा करके विभिन्न देशों में रखी गई थी, मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को जिस प्रकार भारत में ला करके, उसे कनाडा से ला करके भारत में स्थापित, दोबारा अन्नपूर्णा मां के मंदिर में उसी प्रकार वाराणसी में किया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मां अन्नपूर्णा की तरह ऐसी 55 मूर्तियों को चुरा करके लोग ले गए थे। भारत की सांस्कृतिक विरासत को बचाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के लोगों से कहना चाहूंगा कि हमारे सामने एकमात्र विकल्प भारतीय जनता पार्टी है, अपना आशीर्वाद प्रदान करें भारत की संस्कृति की रक्षा करने के लिए, उत्तर प्रदेश की संस्कृति की रक्षा करने के लिए और उत्तर प्रदेश में कानून का राज और आगे बढ़ाने के लिए हमें आशीर्वाद प्रदान करें। हमारा मुद्दा, इस तरह से आपकी होल्डिंग लगी, देखिए हम पूरी तरह से बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हम अपनी संस्कृत विरासत को कभी नहीं छोड़ेंगे, हम इसको और मजबूती प्रदान करेंगे। आदरणीय योगी जी ने पिछले 5